प्रदर्शनकारी किसानों ने भारत बंद का ऐलान किया दिल्ली के सभी बॉर्डर पर। इस दौरान पुलिस प्रशासन अलर्ट हो गया। ऐलान के बाद नोएडा प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। वहीं नोएडा में धारा 144 लागू कर दी गई है। इसी खबर पर दिल्ली से हमारे सहयोगी स्पर्श हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्पर्श, आपसे जानना चाहेंगे प्रदर्शनकारी किसानों ने इस दौरान भारत बंद का ऐलान किया है, किस तरह से असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है इस दौरान दिल्ली से सटे बॉर्डर्स पर? देखिए, बिल्कुल भारत बंद का ऐलान किया गया है ट्रेड यूनियन किसान संगठन की तरफ से, प्रदर्शनकारियों की तरफ से। और हम देख रहे हैं कि जो है सुबह से भारत बंद के ऐलान को लेकर आज अलग अलग जगहों पर पुलिस व्यवस्था जो है वो कड़ी जो है की गई है। धारा 144 जो है लगाई गई है अलग अलग इलाकों में किसानों के चक्का जाम को लेकर। नोएडा पुलिस की तरफ से भी जो है धारा 144 जो है लगाई गई है। हम देख रहे हैं कि पिछले लगातार कई समय से जो किसान अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन जो है वो करते हुए जो है नजर आ रहे हैं। कल भी देर रात हमने देखा किस तरीके से बैठक जो है होती भी जो है नजर आई थी जो है किसान संगठनों की और उसके साथ साथ जो केंद्रीय मंत्री उनके, लेकिन कोई नतीजा जो है उस बैठक में नहीं निकलता हुआ जो है नजर आया था। ऐसे में सीधे तौर पर हम बात करते हैं तो आज भारत बंद का ऐलान किया गया है, किस तरीके से भारत बंद रहेगा कि अलग अलग यूनियंस जो है उनका भी भारत बंद का ऐलान पहले से ही देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा था और उसमें अब किसान संगठनों ने भी भारत बंद का ऐलान जो है फिलहाल कर दिया है। जी, प्रदर्शनकारी किसानों ने भारत बंद का ऐलान किया। बहुत बहुत धन्यवाद स्पर्श तमाम जानकारी के लिए। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। पुलिस ने इस दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। दिल्ली के सभी बॉर्डर्स पर पुलिस की तैनाती देखी जा रही है। धारा 144 लागू कर दी गई है।